हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी चॉकलेटी केक, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैं इसे प्रीमिक्स से बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है चॉकलेट का प्रीमिक्स। तो इसे हम लेंगे मेज़रमेंट करके। तो मैं यहाँ पर एक बाउल ले रही हूँ और मैं यहाँ पर एक कप का मेज़रमेंट कर रही हूँ। आप किसी भी कप या कटोरी का कर सकते हैं। तो इस कप से हम ले रहे हैं यहाँ पर 2 कप प्रीमिक्स। तो ये 250 ग्राम का हमारा कप है। तो हमने इसमें 2 कप डाल दिए हैं। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। नॉर्मल पानी लेना है हमें, ना ही गर्म ना ही ठंडा। तो नॉर्मल पानी डालकर इसका हम एक स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। वैसे इस प्रीमिक्स को बीटर से बीट किया जाता है, लेकिन अगर आपके पास बीटर ना हो तो आप हाई स्पीड में हाथ से ही 7 से 8 मिनट इसे अच्छी तरह से बीट करें, जिससे ये बैटर बहुत ही फ्लफी बनता है। तो ये देखिए, बैटर हमारा बहुत ही फ्लफी बन गया है। अभी थोड़ा सा हम इसमें पानी और ऐड करेंगे। तो पानी आप एकदम से ना डाल दें, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें और इसका एक बहुत ही स्मूथ बैटर बना लें हम। तो ये देखिए, मैं बहुत ही स्पीड से इसे बीट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से अब मैं इसे 5 मिनट के लिए बीट करूँगी। 5 मिनट मैंने इसे अच्छी तरह से बीट कर लिया है, ये देखिए। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे 1/3 कप के लगभग। तो ऑयल भी थोड़ा थोड़ा करके डालें और अच्छी तरह से बीट करें, और इसे हमें लगभग 5 मिनट के लिए बीट करना है। तो हमने इसे अच्छी तरह से स्मूथ बीट कर लिया है। तो यहाँ पर हमने एक केक टिन ले लिया है, ये 1/2 kg का केक टिन है, और इसमें हम हाफ ही भरेंगे, क्योंकि ये बैटर बहुत ही ज़्यादा फूल कर ऊपर आता है। तो जितना बैटर हमने बनाया है, उतने में हमारे 2 स्पंज बनकर तैयार होंगे। तो आप ये ना सोचें कि इतना हम पूरा ही एक टिन में डाल देंगे। अब हम यहाँ पर एक मोटे तले के बर्तन को प्रीहीट कर लेंगे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। बर्तन हमारा बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब हम केक टिन को रख देंगे। हमने इसे अच्छी तरह से टैप कर लिया था। अब कवर करके हमने इसे अच्छी तरह से बेक कर लिया है। 20 से 25 मिनट लगे इसको बेक होने में। इस तरह से चाकू डालकर आप देख लें। और अब हम इसे निकाल लेंगे बाहर। अच्छी तरह से ठंडा कर लिया हमने हमारे केक को, और केक टिन से हमने कर लिया है बाहर। अब इसे हम 4 स्लाइस में कट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसके ऊपर के पार्ट को अलग कर देंगे, क्योंकि प्रीमिक्स का जो बेस होता है ना, वो रखने के बाद, ठंडा होने के बाद थोड़ा सा ऊपर से चिपचिपा सा लगता है। तो आप ये ना सोचें कि हमारा केक चिपचिपा रहा है, वो उसका टेम्परेचर ही होता है इस तरह का। तो ऊपर का सारा हम निकाल देंगे, और ये देखिए बहुत ही फ्लफी स्पंजी हमारा केक बना हुआ है। और अब हम इसे 3 लेयर में कट करेंगे, तो ये 4 लेयर्स का बन जाएगा। अगर आपको घर के सामान से बना हुआ केक की रेसिपी चाहिए, तो आपको मेरे चैनल में बहुत सारी रेसिपीज मिल जाएंगी। तो ये देखिए, हमने एक लेयर कट कर ली है। इसी तरह से हम बाकी की लेयर्स भी कट कर लेंगे। सभी लेयर्स हमने कट कर ली है। नीचे वाली जो हमारी लेयर है, उससे भी हमने बटर पेपर नहीं निकाला है, एकदम लास्ट में ही निकालेंगे, जिससे कि बेस के ऊपर रखने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो अब हमने यहाँ पर ये बना लिया है शुगर सिरप। 1 कप पानी में हमने यहाँ पर ले लिया है चीनी, और इसे अच्छी तरह से घोल दिया है। प्रीमिक्स के स्पंज में शुगर सिरप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। और वैसे भी हमें सारी लेयर्स में ही अच्छी तरह से शुगर सिरप लगाना ही चाहिए, क्योंकि केक को हम रखते हैं फ्रिज में, और फ्रिज में रखने से जो इसकी स्पंज है वो टाइट हो जाएगी अगर हम इसमें पानी नहीं लगाएंगे तो। ये देखिए, हमने इसमें क्रीम लगा दी है, और विप क्रीम को हमने अच्छी तरह से विप कर लिया है। इसमें लगभग 1 कप के लगभग विप क्रीम लग जाएगी। तो ये देखिए, इस तरह से हमने स्प्रेड कर दिया है। ऊपर से लगा लेंगे टूटी फ्रूटी। सेम प्रोसेस से हम सभी में लगाएंगे शुगर सिरप और हमारी विप क्रीम, और उसके बाद हम लगाएंगे टूटी फ्रूटी। आप चाहें तो यहाँ पर चेरीज को भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, हमने सभी लेयर्स में इसी तरह से कर देना है। मेरे चैनल में आपको एवरीडे बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने को मिलती ही रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे वहाँ पर भी निधि किचन एंड होम से सर्च करेंगे तो मैं आपको वहाँ पर भी मिल जाऊँगी। तो ये देखिए, हमने 4th लेयर भी अच्छी तरह से कंप्लीट कर ली हैं, और इसे अब हम इसे अच्छी तरह से फाइनल कर लेंगे। तो ये देखिए, हम इसे स्क्रैपर से अच्छी तरह से स्क्रैप कर ले रहे हैं। डिज़ाइन आप जैसा चाहें वैसा दे सकते हैं। तो ये देखिए,
केक हमारा डन हो चुका है। अब हमने यहाँ पर चॉकलेट ग्लास को इस तरह से पाइपिंग बैग में भर लिया है और इसमें छोटा सा थोड़ा सा हम डिज़ाइन दे रहे हैं। तो डिज़ाइन आपके ऊपर है, आप चाहे तो जैसा चाहे वैसा दे सकते हैं। अब बीच में हम लगा देंगे थोड़ा सा हमारा ये रेड जेल है, तो जेल में मैंने हल्का सा इसमें रेड कलर डाल दिया है, तो इसे ये देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। आप चाहें तो पूरा ही ऊपर चॉकलेट लगा सकते हैं। तो सभी तरफ हम अच्छी तरह से इसे स्प्रेड कर देंगे। तो ये देखिए हमने सभी तरफ इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। अब साइड में भी हम इस तरह से डिज़ाइन दे देंगे, हमारे केक को अच्छी तरह से कवर अप कर देंगे। जब हम ऊपर जेल लगाते हैं तो बीच में हमें इस तरह से फ्लावर बनाने पड़ते हैं, यदि हम इसमें कोई भी चॉकलेट या फिर कुछ भी स्टिक कर रहे हैं तो। इस तरह से ये देखिए मैंने चॉकलेट्स घर पर ही बनाई थी, इसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, लिंक भी मैं आपको दे दूँगी। तो इस तरह से ये देखिए हमने चॉकलेट्स बनाई थी हार्ट शेप की। तो जैसा चाहे वैसा आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। अब हम इसमें थोड़े से शुगर बॉल्स भी डाल देंगे इसे और भी अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी चॉकलेटी केक। इस रेसिपी को आप घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।